फ्रैंकलिन आज बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका है क्योंकि उसके ऊपर अटैक कर दिया है सायरन हेड ने, एंड वो बसते बसते भाग रहा है। क्या अपने इंडियन बेस्ट एवेंजर गेम के अंदर सायरन हेड से अपना फ्रैंकलिन बच पाएगा, चलो जानते हैं। आज तो दिन की शुरुआत ही अपने स्विमिंग पूल से नहा के हो रही है। आज का दिन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, एंड काफ़ी टाइम से अपन लोग नहा रहे हैं। निकलने का मन तो नहीं कर रहा है अपने स्विमिंग पूल से, बट निकलना पड़ेगा क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है अपने को। चलते अंदर एंड अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, एकदम नए कपड़े पहनने वाला हूँ आज तो। किसका फ़ोन आ रहा है यार? ये तो अपना आर्यन है, इस टाइम पर क्यों ये फ़ोन कर रहा है अपने को? हेलो हेलो फ्रैंकलिन, जल्दी से यार मेरे पास आ जा, जल्दी से एक चीज़ दिखानी है तेरे को। कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा यार, तू करेगा जल्दी से आजा मेरे घर पर। ऐसी क्या बात हो गई यार आर्यन के साथ जो कोई भी उसकी बात को विश्वास नहीं कर रहा है? जल्दी से अपन लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं। कैप यार यहाँ पर नहीं यार, कैप को उतार कर ही चलते हैं, कैप से बिना कैप की अच्छी लगती है अपन लोग। चलते हैं यार, आर्यन का इतने हड़बड़ी में फोन आया था कि कुछ बता ही नहीं पाया, बस कह रहा था आजा जल्दी से मेरे पास, कुछ तो दिखाना है उसको मेरे को। कौन सी चीज हो सकती है जो मेरे को दिखाना चाहता है वो, एंड इतना हड़बड़ा रहा था जैसे कोई कुछ खतरनाक चीज देख लिया उसने। चलते हैं उसके पास, जाके ही पता पड़ेगा वो क्या दिखाना चाहता है अपने को। चलो ये आर्यन अपने को मिल चुका है, ये रहा अपना आर्यन एंड बोल रहा है यहाँ पर, इसने मेरे को घर पे बुलाया था, अभी रोड पर क्यों घूम रहा है? क्या हुआ आर्यन, किस लिए फोन किया था जल्दी से बता। यार फ्रैंकलिन मेरी कोई भी बात का विश्वास नहीं कर रहा, मैंने जो रात में देखा था। ऐसी कौन सी बात है जो कोई भी बंदा तेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा, मेरे को बता। फ्रैंकलिन रात में मैं अपने ट्रेन स्टेशन पर गया था कुछ काम से, तो वहां पर मैंने अपना सायरन हेड देखा यार। सायरन हेड? भाई सायरन हेड कहां से आ गया अपनी सिटी के अंदर? याक मत कर यार मेरे साथ। फ्रैंकलिन यार तेरी तरह कोई भी मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा, सच में यार। यार तेरी बात विश्वास करने लायक ही नहीं है, इसलिए कोई विश्वास ही नहीं कर रहा तेरी बात पर, मैं जा रहा हूँ यार। यार फ्रैंकलिन मान यार, मैंने देखा था रात में सायरन हेड। क्या बात कर रहा है यार, ओके मैं समझ गया, तेरे को दिखा होगा जरूर से सायरन हेड, जब भी तू बता रहा है जाता हूँ तो मैं अपने घर। ओके रुक तो यार फ्रैंकलिन, रुक जा यार मेरी बात तो सुन, मैं और तू चलते है ना उसको देखने के लिए दोबारा। क्या मजाक कर रहा है तू भाई, नीचे यार गिर गया, इसको क्या हो गया? एक साथ चलते है इसके पास, पता नहीं क्या हो गया इसको, इसको मैंने गाड़ी में बैठा लिया है, पता नहीं क्या कह रहा है यार, इसको सायरन हेड दिख रहा है। भाई सायरन हेड नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, एंड सायरन हेड अपनी स्टोरीज के अंदर होते हैं, सायरन हेड अपनी सिटी के अंदर कहाँ से आ गया है? इसके घर पर छोड़ के चलते हैं जल्दी से। चलो भाई जल्दी से, मैं इसको आर्यन को घर पे छोड़ के तो आ चुका हूँ, बट बात कर रहा था यार ये सायरन हेड, भाई सायरन हेड मैंने तो अभी तक अपनी सिटी के अंदर देखा नहीं है, स्टोरी में सुना है सायरन हेड होता है बट पता नहीं यार रियल में होता है या नहीं, बट मेरा यार कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो मैं देख लेता हूँ कहाँ तक ये वर्क कम्प्लीट हुआ। एंड ये वेस्ट मटेरियल है यार, एंड इससे अपन लोग को अभी और तंगड़ा वाला चैलेंज रैंप बनाना है यार। काम करते करते रात हो गई, एंड मेरे को समझ में भी आ गया जो अपना रैंप है उसमें क्या अपने को ऐड करना है ताकि अपना रैंप थोड़ा सा और हार्ड बने एंड अच्छा भी लगे अपने को। एंड भाई आर्यन को घर पे छोड़ने गया था जब एक बार अपनी गाड़ी ठुक गई, एंड काफ़ी डैमेज हुई है अपनी कार। चलते हैं, एंड सोने का टाइम हो चुका है अपना, एंड भाई काफ़ी रात हो चुकी है, रात के 12 बज चुके हैं, चलो जल्दी से सो जाते हैं। एंड भाई दिन हो चुका है अपना, चलते हैं बाहर वाली साइड, मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरे को अपना कंस्ट्रक्शन का काम आगे बढ़ाना है, कंस्ट्रक्शन में जो रात में काम छोड़ा था उसको जल्दी से अपन लोग कंप्लीट करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है अपने साथ। एंड ये रहा अपना रैंप जो मैं कंप्लीट करना जा रहा हूँ, इतना तंगड़ा रैंप तो मैंने बना लिया है, इसको अभी थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। फ्रैंकलिन सुन यार एक इम्पोर्टेंट बात है। अरे क्या बात हो गई, ऐसी हड़बड़ाए से क्यों लग रही हो तुम सब? फ्रैंकलिन यार कुछ बात ही ऐसी है। क्या हो गया मेरे को आराम से बताओ। यार आर्यन को अपना सायरन हेड उठा के ले गया यार ट्रेन स्टेशन के पास से, यार क्या करे अभी? यार कल रात तो मैं उसको घर पर ही छोड़ के आया था अपने हाथों से, यार क्या मजाक कर रहे हो तुम? मैं यार फ्रैंकलिन अपने को भी विश्वास नहीं हो रहा था, बट यार न्यूज आ रही है, सारा जगह बात फैल चुका है, आर्यन को सायरन हेड उठा के ले गया यार। ओके तुम यहीं रहो, मैं जाके देखता हूँ क्या हुआ है अपने आर्यन के साथ। भाई सच में क्या अपना सायरन हेड, लिटरली मैं सायरन हेड उठा के ले गया है अपना आर्यन को यार, अभी तो मेरे को बात का विश्वास नहीं हो रहा है बिल्कुल भी यार। आर्यन को घर पर भी गया था मैं, बट आर्यन घर पर ही नहीं है, मैं आ चुका हूँ अपने ट्रेन स्टेशन पर। आर्यन बता रहा था लास्ट टाइम उसको यहीं पर दिखा था अपना सायरन हेड, बट मेरे को एकदम शांत एरिया लग रहा है, एंड यहाँ पर एनपीसी भी घूम रहे हैं, तो मेरे को ऐसी कोई खतरे वाली जगह नहीं लग रही है कि यहाँ पर सायरन हेड होगा। एंड भाई आर्यन को कैसे उठा ले सकता है सायरन हेड? भाई यहाँ पर तो सायरन हेड नहीं है, अभी मैं निकल के चलता हूँ यहाँ से, बट सायरन हेड की तो कह रहा था यार अपना आर्यन के सायरन हेड यहीं देखने को मिला था, एंड अपने दोस्त भी बता रहे थे सायरन हेड यहीं है। चलो लौट कर चलते हैं, यहाँ पर तो कुछ नहीं है भाई, देखना पड़ेगा यार आर्यन कहाँ गया। भाई ये क्या है भाई, ये तो सच में सायरन हेड आ गया यार, ये को निकलना पड़ेगा मेरे पीछे ही आ रहा है, अब क्या होगा यार? यार ये तो पीछे ही पड़ गया, अभी ये टेलीपोर्ट होके आगे आ चुका है यार, कोई बचाओ मेरे को यार, क्या फंस गया मैं, कोई बचाओ। देखा है सायरन हेड उठा के ले गया। रुको एक एक करके बोलो क्या बताना चाहते हो। मैं बताता हूँ,
कल फ्रैंकलिन अपना आर्यन को ढूंढने गया था, उसको सैर ने उठा के ले गया है, अभी फ्रैंकलिन को भी सैर ने उठा के ले गया है। रिपोर्ट लिखो जल्दी से, हमारी रिपोर्ट लिखो फटाफट से। तुम जाओ अभी, हम देखते हैं। पहले भी ऐसी रिपोर्ट आई थी आर्यन नाम के बंदे की, जो बात करे उसको भी सैर ने उठा के ले गया था, एंड फ्रैंकलिन को भी अभी सैर ने उठा के ले गया भाई। अब क्या करे, फ्रैंकलिन तो काफी फेमस है अपना सिटी के अंदर, सैर ने उठा लिया तो यार सिटी के अंदर तो काफी तो खलबली मचने वाली है, अभी क्या किया जाए। सुनो दोनों सुनो, फ्रैंकलिन का दोस्त माइकल है, उसको बताना पड़ेगा इसके बारे में, वही कुछ कर सकता है अभी। भाई जितना खर्चा इस बुलेट में हो गया उससे ज्यादा यार मैं वसूली कर रहा हूँ इससे, तो यार काफी तो मजा आ रहा है। चलो जल्दी से ऑटोमेटिक डोर लगवा लिया है, उसका भी फायदा हो रहा है मेरे को, इतना अच्छा लगा नहीं था पहले तो मेरे को, बट अभी पता पड़ रहा है यार। एंड भाई मॉडिफिकेशन तंगड़ा हुआ इस वाली बाइक के अंदर, मैंने जितना भी पैसा जिस चीज में लगाया है सारा का सारा मजा ही आ गया उस चीज में। एंड भाई देखते हैं अपनी गैराज में कितनी कार है अपने पास, मेरे पास 10-20 कार होंगी कम से कम। नहीं यार दो कार बची है भाई, कार कहाँ गई मेरी, बस दो ही कार है मेरे पास। अरे यार ये क्या हो रहा है, अरे यार दोनों माइकल पे कॉल करो जल्दी, और कार मेरे को बाय करनी पड़ेंगे यार, कलेक्शन कम हो जाता जा रहा है। फोन किसका है भाई ये, भाई फ्रैंकलिन की सिटी से पुलिस का फोन आ रहा है, किस लिए यार। माइकल यार बहुत इमरजेंसी केस आ चुका है, तेरा जो दोस्त फ्रैंकलिन है ना उसको सैरनेट उठा के ले गया है। बात कर रहे हो यार, सैरनेट अपने फ्रैंकलिन को उठा के ले गया, ये कब हुआ भाई? एक दो दिन पहले हुआ है यार, जल्दी से तुमको एक वीडियो सेंड किया उसको जल्दी से देखो। भाई ये क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, अपने फ्रैंकलिन को सैरनेट उठा के ले गया भाई, उन्होंने वीडियो भेजी है डार के एकदम, इसमें बस सैरनेट दिख रहा है कुछ दिख ही नहीं रहा। ओके कैमरा चालू हो चुका है, यहाँ पर अपना फ्रैंकलिन भाग रहा है, ढाके से सैरनेट आ रहा है, इसका मतलब अपने फ्रैंकलिन को सैरनेट ने सच में उठा लिया है। विश्वास नहीं हो रहा सच में, अपना सैरनेट भी अपने सिटी के अंदर है। एंड भाई साहब क्या होगा अभी यार, टीवी को ऑफ करते हैं यार, इस वीडियो को देखकर दिमाग खराब हो रहा है। एक सेकंड, कल अपना अरविंद कह रहा था मैं वो फ्रैंकलिन से मिल के आया उसकी सिटी के अंदर, अभी मेरे को अरविंद के पास जाना पड़ेगा यार, जो फ्रैंकलिन है उसको उठा के ले गया अपना सैरनेट भाई। अरविंद को शायद कुछ आइडिया हो उसके बारे में, अभी मैं चलता हूँ अपनी कार को लेकर अरविंद के पास। एंड जो अपना अरविंद है वो अपने ओल्ड वाले हाउस के में मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ पर अपना मॉडिफिकेशन करा रहा है अपने ओल्ड वाले हाउस का, तो अरविंद के पास मेरे को जाना पड़ेगा। वो बता रहा था कल मेरे को फोन आया था कि वो अपना फ्रैंकलिन से मिला है। एक साथ ये न्यूज़ आ रही है कि फ्रैंकलिन गायब हो चुका है, बट जबकि वो फ्रैंकलिन मिला है कल अपना अरविंद से, शायद कुछ हो सकता है इनके बीच में रिलेशन, सर अरविंद को कुछ पता हो अपने फ्रैंकलिन के बारे में। चलते हैं अपन लोग जल्दी से एंड पता लगाते हैं फ्रैंकलिन कहां पर है। अरे भाई अगर सच में यार सैरनहेड ने अपने फ्रैंकलिन को उठा लिया होगा तो यार काफी ज्यादा तंगड़ी खतरनाक चीज हो चुकी है अपने साथ यार। फ्रैंकलिन को मेरे को बचाना पड़ेगा, मेरे को डर भी लग रहा है अगर फ्रैंकलिन को कुछ कर दिया हो अपने सैरनहेड ने, यार ये सोचना नहीं चाहिए वैसे मेरे को, कुछ नहीं किया होगा। एंड भाई मैं आ चुका हूँ अपने अरविंद के घर के पास, तो यहीं पर है अपना अरविंद, जल्दी से मैं अपनी कार को पार्क करता हूँ एक साइड में। एंड देखते हैं अरविंद से पूछते हैं क्या सीन हुआ है, यहाँ कहाँ पर है दिख नहीं रहा। ओके अरविंद यार सुन, फ्रैंकलिन की पता है यार सैरनेट उठा के ले गया उसको, यार पता है तो यार जल्दी से बता दे यार, काफी डर लग रहा है। क्या बात कर रहा है यार तू, यार फ्रैंकलिन तो मेरे साथ है, मेरे घर पर सो रहा है यार, कल वो बेहोश मिला था मेरे को उसकी सिटी के अंदर यार, तेरे को बताया तो था, तूने सुना नहीं ढंग से, उसके मेरे घर पर ही है यार, जाके तू देख ले फ्रैंकलिन से मिल ले। बट ये क्या यार, फ्रैंकलिन तो ये बता रहा है इसके साथ है अरविंद के साथ, लिटरली मैं इसके घर पर है यार, मेरे को जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को ढूंढने के लिए। इस वाले बता रहे हैं उसको सैरनेट उठा लिया, ये बता रही है घर पर लेके आया है, अभी भाई फ्रैंकलिन मिलेगा जब ही पता पड़ेगा क्या हुआ था उस दिन। एंड भाई क्या हो रहा है भाई, चलते अपन लोग फटाफट से, एक तो इसका घर भी काफी दूर है, एंड भाई थार को मेरे को स्पीड में करना पड़ेगा। आई होप अरविंद सच बोल रहा हो और जो फ्रैंकलिन है ना वो उसके घर पर ही सो रहा होगा, भाई मेरे हिसाब से तो घर पर ही सोना चाहिए। मैं आ चुका हूँ अपने इसके विलेज के पास, तो ये रहा व्हाइट वाला हाउस है ना, ये है अपना अपना अरविंद का। एंड भाई फ्रैंकलिन इसके घर के अंदर होना ही चाहिए भाई, जब फ्रैंकलिन इसके घर में होगा जब ही मेरे को शांति मिलेगी, वरना यार कुछ भी हो सकता है। इसकी चाबी एक तो मेरे को लानी पड़ेगी यार, कहाँ पर दुबका के रखता है, यहाँ पर कहीं पर चाबी बताई थी उसने इसके पड़ोसी के पास इसकी चाबी है, जल्दी से इसकी चाबी लेकर चलते हैं। ओके मैं इसके घर के अंदर आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन भी मेरे को देखने को मिल चुका है, बट यार ये बेहोश है, इसको जल्दी से अपने गाड़ी के अंदर डालना पड़ेगा। फ्रैंकलिन यार फ्रैंकलिन उठ, फ्रैंकलिन को मैंने डाल लिया है। एंड ये बता रहा था लिटरली मैं इसको सैरनेट दिखा है, एंड यार ये काफी डरा हुआ है, इससे पूछना पड़ेगा मेरे को घर पे ले जाके क्या होता है भाई, ये गाड़ी कैसे पलट गई, क्या होगा फ्रैंकलिन क्या हुआ।